गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है? डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्शन साइकिल तीन पाथवे से होता है, C3 साइकिल और C4 साइकिल। एक और साइकिल है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, वो है जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, फ्लैजेलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम साइकिल। जिन प्लांट्स में साइकिल पाई जाती है उनको कैम प्लांट्स भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के तीन पाथ हैं। पाथ में C3 साइकिल, कैल्विन बेंजीन साइकिल जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है ग्लूकोज डाइफॉस्फेट, और फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, जो फर्स्ट स्थायी उत्पाद बनता है, वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर दूसरी है C4 साइकिल जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट द्वारा ग्रहण की जाती है, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीडो एसिटिक एसिड बनता है जो कि मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं C4 साइकिल क्योंकि ऑक्सीडो एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों ही एक C4 कंपाउंड है, चार कार्बन कंपाउंड है। फिर तीसरी साइकिल है फ्लैजेलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसमें भी C4 साइकिल के समान ही होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड के द्वारा ग्रहण की जाती है और ऑक्सीडो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, मैलिक एसिड बनता है। C4 साइकिल में क्या था, उसमें बंडल शूट सेल और मेसोफिल सेल दोनों इन्वॉल्व थी। जो फर्स्ट प्रक्रिया थी यानी जब फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीडो एसिटेट बनाता है तो ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और मेसोफिल से जो मैलिक एसिड बनता है ये मेसोफिल से बंडल शूट सेल में चला जाता है। बंडल शूट सेल में डीकार्बोक्सिलेशन होता है और मैलिक एसिड बदल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, मैलिक एसिड बदल जाता है पाइरूविक एसिड में जो कि वापस से फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल के रेगुलर डाइफॉस्फेट के द्वारा ग्रहण कर लिया। इस साइकिल में आप क्या देख रहे हो, इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो रात के समय में खुले हुए रहते हैं। इसमें फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सीडो एसिटिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड का कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और एक तीन कार्बन कंपाउंड पाइरूविक एसिड का वापस से निर्माण हो जाता है, फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड में बदलता है। दोनों में फर्क क्या है, उसमें जो कार्बोक्सिलेशन होता है C4 प्लांट्स में वो मेसोफिल सेल में होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है वो बंडल शूट सेल्स में होता है, जबकि फ्लैजेलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में कार्बोक्सिलेशन रात के समय होता है और डी कार्बोक्सिलेशन दिन के समय होता है। अब हम थर्ड मैकेनिज्म, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं वो, उसको क्या कहा जाता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का थर्ड मैकेनिज्म कहा जाता है। यह रुबिस्को के पास ही होता है। रुबिस्को मतलब रेगुलर ये एंजाइम होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करता है। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोक्सिनेज और ऑक्सीजिनेज। तो ये जो C4 कैम साइकिल है ये सक्यूलेंट्स में होती है और सेमी एरिड कंडीशंस में होती है, मतलब ज़ीरोफिटिक प्लांट में। ये जो साइकिल है सबसे पहले फ्लैजेलेसी एसिड फैमिली में नोटिस की गई थी। इसकी डिस्कवरी जो हुई थी फ्लैजेलेसी एसिड फैमिली में हुई थी, इसलिए इसको फ्लैजेलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कुछ फैमिलीज जैसे कुछ प्लांट्स फ्लैजेलेसी की जैसे ब्रायोफिलम सीडम आदि में ये पाई जाती है, इसीलिए इसको फ्लैजेलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। लेकिन अब ये अन्य एंजियोस्पर्म में भी, उसके बाद इसकी डिस्कवरी अन्य एंजियोस्पर्म में भी हुई, जैसे कैक्टस, ओपुंचिया, ऑर्किड, पाइनएप्पल, वनीला, अगेर। अब हम देखें फ्लैजेलेसन एसिड मेटाबॉलिज्म को हमने शॉर्ट में देखा, अब हम देखें इन प्लांट्स के क्या विशेषताएं होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक, जैसा कि हमने देखा, ये प्लांट्स दिन के अलावा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं और लार्ज अमाउंट में बड़ी मात्रा में मैलिक एसिड का निर्माण करते हैं। जो C3 प्लांट है और C4 प्लांट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन दिन में होता है, पर इन प्लांट में क्योंकि स्टोमेटा रात के समय खोले जाते हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रात को होता है और मैलिक एसिड का निर्माण होता है। इसमें ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन में डाइऑर्नल पैटर्न होता है, मतलब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो रात को एक्यूमुलेट करते हैं, आपको एक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि मैलिक एसिड या ऑक्सीडो एसिटिक एसिड बना वो जो रात में तो इकट्ठा होते हैं और दिन में वो डिक्रीज होता है। ऐसे प्लांट में जो सेल सेप की पीएच होती है वो रात के समय में कम हो जाती है क्योंकि रात के समय में ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ये जो प्लांट्स होते हैं सक्यूलेंट्स होते हैं, इनमें वैक्यूल्स होती हैं, वो स्टोरेज साइट का काम करती हैं ऑर्गेनिक एसिड की, इसलिए होगा इनके करेक्टरिस्टिक तीन। इसके बाद ये प्लांट्स ज़ीरोफिटिक होते हैं C4 प्लांट्स की तरह से, इनमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है, सिंपल स्टोमेटा पाए जाते हैं, फ्लैशी स्टेम्स एंड लीव्स पाए जाते हैं, ट्रांसपोरेशन रेट कम होती है, थॉर्न्स पाए जाते हैं और लीव्स कम होती हैं।
जो स्टोमेटा होते हैं अब रात को खुले रहते हैं पर ये दिन में लाइट के समय में बंद रहते हैं और रात को खुले रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जीरोफिटिक कंडीशन के समय ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए एक अडेप्टेशन है। फिर जो सी ओ, जैसा कि जब अगर स्टोमेटा रात को खुले रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी रात को होता है। गैसेस एक्सचेंज भी रात को ही होता है क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग होती है नॉक्टर्नल होती है, मतलब रात के समय स्टोमेटा खुले रहते हैं। रात के समय में स्टार्च कंटेंट कम हो जाता है और जो कि दिन में बढ़ जाता है। इसमें जो क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं उनमें बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें ये फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड कुछ मात्रा में पाया जाता है। ये सब इसके करेक्टरिस्टिक, मुख्य करेक्टरिस्टिक अगर हम नक्शल में देखेंगे तो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, स्टोमेटा रात को खुले रहते हैं दिन में बंद रहते हैं, उनके जो क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं उनमें लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें कि ऑर्गेनिक एसिड रात के समय इकट्ठा रहता है, या फिर और दिन के समय ये ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सिडोएसिटिक या मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेट हो जाए और फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड में बदल जाता है। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो इसके मैकेनिज्म में जैसा कि मैंने अभी बताया रेजोल्यूशन एसिड मैकेनिज्म होता है वो C4 साइकिल के समान ही होता है। C4 प्लांट में C4 एसिड मेसोफिल में बनते हैं और जो इसमें क्या होता है C4 एसिड और C3 एसिड का निर्माण अलग अलग सेल्स में होता है। एक तो मेसोफिल में होता है C4 का निर्माण और बंडल शेल में होता है C3 का निर्माण। एंड जब ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक बार डीकार्बोक्सिलेशन तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। और जो कैरेजिलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है उसमें C4 एसिड्स और जो होते हैं वो टेम्परेरीली बने होते हैं। रात को कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनॉल पाइरूविक कार्बोक्सिलेज के द्वारा साइटोसिस्टोल में ली जाती है और मैलेट बनता है। मैलेट जो होता है वो ऑक्सिडोएसिटिक से बनता है और वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। दिन के समय क्या होता है ये मैलेट जो होता है वैक्यूल से निकल जाता है क्लोरोप्लास्ट और में पहुँच जाता है। क्लोरोप्लास्ट में इनका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है जो कि केल्विन साइकिल के द्वारा ले ली जाती है। मतलब इनमें स्टोमेटा रात को उत्पन्न रहते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सिडोएसिटिक एसिड निर्माण करता है, फिर मैलिक एसिड बनता है, ये हुआ कार्बोक्सिलेशन। फिर ये मैलिक एसिड वैक्यूल से वापस चला जाता है मेसोफिल में। मेसोफिल में इस मैलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है जो केल्विन साइकिल द्वारा साइकिल द्वारा ले ली जाती है और एक फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्रेजिलेसिन एसिड स्कैन साइकिल है उसमें दो स्टेप्स होते हैं, एसिडिफिकेशन जो कि रात को होता है, डी एसिडिफिकेशन जो कि दिन में होता है जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है स्टोर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसमें फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस में बदल जाते हैं। आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज किसमें बदलता है तो पाइरूविक एसिड में। तो ये पाइरूविक एसिड ही इन साइकिल्स के लिए C4 साइकिल और कैम साइकिल के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लूप में डिफ्यूज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय क्योंकि स्टोमेटा को ओपन जाते हैं तो रात के समय स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लूप में जाता है। ये फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड जो होता है पैक कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सिडोएसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ऑक्सिडोएसिटिक एसिड जो होता है मैलिक एसिड में बदल जाता है, मैलिक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में। यह प्रक्रिया NADPH2 के समय होती है। और इसके बाद क्या होता है मैलिक एसिड जो होता है वो वैक्यूल्स में चला जाता है, वहाँ स्टोर रहता है। ये प्रक्रिया कहलाती है एसिडिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है ऑक्सिडोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड की जगह एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप होता है डी एसिडिफिकेशन, ये हो गया रात को होने वाला प्रोसेस जब बना मैलिक एसिड और मैलिक एसिड स्टोर हो गया वैक्यूल्स में। दूसरा प्रोसेस है डी एसिडिफिकेशन, इसमें जो मैलिक एसिड है वो पाइरूविक एसिड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है लाइट की उपस्थिति में। मतलब जो मैलिक एसिड बना था वो वापस से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, पाइरूविक एसिड रीजनरेट होता है। यह प्रक्रिया डी एसिडिफिकेशन कहलाती है। तो लाइट की उपस्थिति में डी एसिडिफिकेशन होता है मैलिक एसिड का, वो पाइरूविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्रैब्स
कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो C3 साइकिल द्वारा ले ली जाती है। इस तरह से इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एसिडिफिकेशन जबकि C4 एसिड्स का निर्माण होता है, और साथ साथ कार्बोक्सिलेशन दिन के समय में डीएसिडिफिकेशन और डी कार्बोक्सिलेशन मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। फिर एक है सिग्निफिकेंस ऑफ कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेशन एंजाइम हाईली एफिशिएंट होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये प्लांट्स रात में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर सकते हैं, तो ये दिन में बहुत समय टाइम तक बिना कार्बन डाइऑक्साइड लिए भी जीवित रह सकते हैं। रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है स्थूलता के थ्रू, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस लिमिटेड हो जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड स्टोर हो जाते हैं, और कैम प्लांट्स ये सब प्रोसेस जो होते हैं कैम प्लांट्स को थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट्स बनाते हैं। ये प्लांट्स होते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशन पाए जाते हैं, फ्लैशी लीव्स एब्सेंट होती है, सोलन फोटोसिंथेसिस टिश्यू होता है। अन्य करेक्टर होते हैं संतम स्टोमेटा, क्रिटिकल फॉर्म्स, वेल डेवलप जाएगा। तो अब तक हमने पढ़े 3 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम प्लांट्स। अगर हम नक्शल में इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या है। सबसे पहले क्रेंजा रहते हैं, हमने C4 प्लांट्स में देखा था कि C3 प्लांट्स में नहीं पाई जाती, C4 प्लांट्स में पाई जाती है और कैम प्लांट्स में नहीं पाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 प्लांट में रिबुलोज डाइफॉस्फेट होता है, C4 प्लांट में फॉस्फोलिनॉल पाइरूवेट एक्सेप्ट होता है, कैम प्लांट में भी फॉस्फोलिनॉल पाइरूवेट। CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट ड्रग जो होता है C3 प्लांट में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, C4 प्लांट्स में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, कैम प्लांट्स में भी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या अन्य कोई C4 एसिड होता है। कार्बोक्सिलेज में जो एंजाइम होता है वो RBP कार्बोक्सिलेज होता है, मुख्य एंजाइम जो होता है C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स में पैप कार्बोक्सिलेज होता है। फिर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, C3 प्लांट्स में ग्रीन होता है, C4 प्लांट्स में भी ग्रीन होता है, और कैम प्लांट्स होते हैं इनमें रात में होते हैं और दिन में C3 साइकिल होती है। ऑक्सीजन इनहिबिशन और फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट्स में नहीं होता, कैम प्लांट्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट सिंगल स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं बंडल फिक्सेट और न्यूक्लियोफिल C4 प्लांट्स में, कैम प्लांट्स में सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं। फिर फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो C3 प्लांट्स में हाई होता है, C4 प्लांट्स में लो होता है और कैम प्लांट्स में बहुत कम होता है। ट्रांसपिरेशन C3 प्लांट्स में हाई होता है, C4 प्लांट्स में लो होता है, कैम प्लांट्स में बहुत कम होता है। प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट्स में लो टू हाई होती है, C4 प्लांट्स में हाई होती है, कैम प्लांट्स में लो टू हाई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट्स में हाई होता है, C4 प्लांट्स में लो होता है और कैम प्लांट्स में भी लो होता है। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस जो C3 प्लांट में होता है 30-40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर इनहिबिट करता है फोटोसिंथेसिस को, जबकि C4 प्लांट और कैम प्लांट्स में इसको प्रमोट करता है। तो C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स जो होते हैं 0 प्लांट्स होते हैं, जबकि C3 साइकिल जो होती है वो नॉर्मल प्लांट्स में होती है। मेन अगर डिफरेंस देखेंगे तो C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर रिबुलोज डाइफॉस्फेट होता है, जो कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है, जबकि C4 साइकिल और कैम साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन C4 साइकिल और कैम प्लांट्स में 2 बार होता है। C4 प्लांट्स में यह प्रक्रिया सबसे पहले मेसोफिल सेल में होती है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट एसिड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये मैलिक एसिड चला जाता है बंडल शीट सेल से। बंडल शीट सेल में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वापस से पाइरूवेट एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का पुनः निर्माण हो जाता है। जबकि C4 प्लांट्स में सेम प्रक्रिया होती है, पर इसमें अलग अलग सेल्स की वजह नाइट और डे में होती है। C4 प्लांट्स और फेजुलिसिन एसिड प्लांट्स दोनों ही 0 प्लांट्स होते हैं। इनमें C4 प्लांट्स में रात के समय स्टोमेटा खुले रहते हैं, और जो प्रक्रिया मेसोफिल सेल में होती है वो यहाँ रात के समय होती है। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट एसिड 5 कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में बदल जाता है और ये वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं। यह प्रक्रिया एसिडिफिकेशन कहलाती है। दिन के समय में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जो वैक्यूल्स होती हैं उनसे मैलिक एसिड बाहर चला जाता है, यह प्रक्रिया डी एसिडिफिकेशन कहलाती है। डी एसिडिफिकेशन के साथ ही साथ मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है,
और पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल के रिबुलोज फॉस्फेट के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इस तरह से दो बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, एक बार फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड के संदर्भ में और दूसरी बार रिबुलोज फॉस्फेट जो कि रेगुलर क्रेब्स साइकिल रेगुलर कैल्विन साइकिल होती है उसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के डार्क रिएक्शन में तीन मैकेनिज्म है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और तीसरा फैजिलेसन एसिड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम C2 पाथवे या फोटोरेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।